गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सारे लोगों का आज के इस SPBM के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सारे लोग जानते हैं कि 3 बजे SPBM की टीम आपके लिए नए नए टॉपिक को लेकर आती है, और फ्राइडे और सैटरडे ये 2 दिन मैं भी ट्रेनिंग लेता हूँ। 3 बजे जो सेशन हमारा होता है SPBM की टीम के द्वारा, नए नए प्रोडक्ट के बारे में, नई नई जानकारियों के बारे में बात होती है। आज का दिन बड़ा ही अच्छा है, और ये जो आज का दिन है वो फ्राइडे है, और फ्राइडे को हम लोग मनाते हैं फार्मर्स फ्राइडे के रूप में। और फार्मर्स जो हमारे देश की एक जान है, जो हमारे लिए अन्न उपजाते हैं, उनके लिए हम कैसे उनकी उपज को बढ़ा दें, उनकी इनकम को बढ़ा दें, उसके बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। दोस्तों, जो अभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों की बात होगी, वो ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट जो है हमारा सिर्फ एग्रीकल्चर या कृषक लोगों के लिए भी है, उसमें बहुत सारी बिजनेस की भी संभावनाएं हैं। तो जो व्यक्ति एग्रीकल्चर से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन वो चाहते हैं अपनी इनकम बढ़ाएं, तो वो इस ट्रेनिंग के जरिए वो प्रोडक्ट को जान सकते हैं और एक अपना बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी संभावनाएं इस ट्रेनिंग में जुड़ी हुई हैं। काइंडली आप लोग कनेक्टेड रहेंगे, करीब 40 से 45 मिनट का ये सेशन होगा, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी। दोस्तों, इसको बताने के लिए मैं कुमार आर्यदेव, मोदी केयर ट्रेनर, आपके साथ हूँ, और मैं आपको एग्रीकल्चर के जो 4 प्रोडक्ट हैं मोदी केयर में, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मुझे लगता है आप स्क्रीन आप लोग को नजर आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो चैट बॉक्स में उसका एक इन्फॉर्मेशन दे दे। आ रहा है, स्लाइड नजर आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू आप लोगों के जवाब के लिए, थैंक यू। तो चलिए हम लोग बातचीत करेंगे आज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में। जैसा कि पहले से डिसाइडेड था, फ्राइडे को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में ही बात होगी। 3 बजे का सेशन पूरे इंडिया में यूट्यूब पर लाइव भी होता है, और ये हमारे जूम सेशन में भी होता है। तो बहुत सारे आपके फ्रेंड जो जूम में नहीं ज्वाइन कर रहे होंगे, आप उनको यूट्यूब में के जरिए ज्वाइन करने के लिए बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में। मोदी केयर में एग्रीकल्चर के 4 प्रोडक्ट हैं अभी परमानेंट, अभी अवेलेबल हैं, 4 प्रोडक्ट हैं, और इन 4 प्रोडक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये क्या काम करते हैं। दोस्तों, भारतीय कृषि, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक संभावनाओं का, कह सकते हैं बिजनेस है, या कह सकते हैं संभावनाओं का एक जगह है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये एक जुआ है, जहां पर कि किसान को क्या मिलने लगेगा, कब मिलेगा, उसको कुछ पता नहीं होता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह हो जाती है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा जो देश का जो आर्थिक व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं कृषि पर ही डिपेंडेंट है। कृषि आज के डेट में पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। आज़ादी के समय जब एक किसान करीब 15 लोगों का पेट भरता था, आज करीब 200 लोगों का पेट भरता है। तो ये बहुत बड़ा एक गैप खड़ा हो चुका है। बहुत सारी कृषि की जमीनें खत्म हो चुकी हैं, और किसान के एरिया जो कृषि योग्य जो क्षेत्र है, वो कम हो चुके हैं, और बहुत सारे शहरें बन चुके हैं, मॉल बन चुके हैं, सड़कें बन चुकी हैं, जिसके वजह से एग्रीकल्चर एरिया कम होती जा रही है। तो यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी है और संभावनाएं भी है, जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, और उसमें मोदी केयर का प्रोडक्ट क्या कर सकता है, वो भी हम लोग देखेंगे। मोदी केयर के जो भी प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, और कुछ वीडियोज में मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें आप लोग देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के द्वारा बनाए गए हैं। जितनी भी प्रोडक्ट है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के द्वारा बनाए गए हैं, और उसको अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग जगहों पर रिसर्च किया गया है, उस पर टेस्ट किया गया है, और उसके बाद इस प्रोडक्ट को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। दोस्तों, ये जो हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, ये कॉमन मैं बता रहा हूँ सारे प्रोडक्ट के लिए, ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये किसी भी फसल में यूज हो सकता है। यहाँ आप खरीफ और रवि देखकर भ्रमित ना हो, कंफ्यूज ना हो, कोई भी फसल अगर आपके खेत में होता है, सालों भर 365 दिन जो भी फसल आपके खेत में होती है, वहां पर आप हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे यूज करना है वो तो मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे मिट्टियों पर यूज कर सकते हैं, तो वो भी एकदम कॉन्फिडेंट रहिए। कन्याकुमारी से लेकर जम्मू एंड कश्मीर तक, गुजरात से लेकर हमारा अरुणाचल प्रदेश तक,
कहीं भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। हर एक मिट्टी पर इसका यूज हो सकता है, हर एक मौसम में इसका यूज हो सकता है, हर एक फसल में इसका यूज हो सकता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि जो मैं प्रोडक्ट लगा रहा हूं, जो मैं खेती कर रहा हूं, क्या वहां पर इसको उपजाया जा सकता है कि नहीं, ये कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आप वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। तरीका मैं आपको बताता जाऊंगा, आपको थोड़ा प्रोसेस जानना है, सिस्टम को जानना है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जिसके बारे में आज बात करेंगे, दैट इज एक्टिविटी। एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। एक्टिविटी जो हमारा प्रोडक्ट है, नाम से लग रहा है इसके अंदर 80% एक्टिव इंग्रेडिएंट है, 80% एक्टिव इंग्रेडिएंट है। और ये करता क्या है, देखिए, ये एक यूनिवर्सल नॉन आयोनिक स्प्रे एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट है। ये बेसिकली तीन काम करता है, एक्टिवेटर, बीटर एंड स्प्रेडर का। मतलब ये है कि आप जब इसको मिलाते हैं किसी चीज के साथ, तो उसको उसके काम को एक्टिवेट कर देता है, ज्यादा अच्छे से काम करवाता है। बीटर का मतलब उसको और ज्यादा गीला कर देता है, और उसको स्प्रेडर भी बना देता है, यानी कि ज्यादा एरिया कवर कराता है। ये सारा चीज करता है हमारा एक्टिविटी। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जो भी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं खेती में, यानी कीटनाशक, फफूंदी नाशक, खरपतवार नाशक, पानी, व्हाटएवर जो भी यूज कर रहे हैं, उसमें ये पानी के गुणों को बढ़ा देगा, कीटनाशक के गुणों को बढ़ा देगा, फफूंदी नाशक के गुणों को बढ़ा देगा, उसको और ज्यादा गीला कर देगा, उसको ज्यादा और फैला देगा, यानी कि उसके गुणों को, उसकी उपयोगिताओं को ये ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देगा। तो इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं किसके साथ, इसको यूज कर सकते हैं फोलियर फर्टिलाइजर के साथ, पेस्टिसाइड के साथ, डिफोलिएटर्स के साथ, प्लांट न्यूट्रिएंट के साथ, उन सब सारे चीजों के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। और जो हमारे पौधे में जो कीड़े लगते हैं, जो फंगस लगती है, उससे लड़ने में हमको ज्यादा आराम मिलेगा, ज्यादा सहूलियत होगी। तो ये चीजें ये करता है। इसका मोड ऑफ ऑपरेटिव क्या है, कैसे काम करता है, इसके अंदर काम करने का तरीका क्या है, क्या प्रोसेस है, तो आइए देखते हैं इसके आगे वाले स्लाइड को, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। देखिये, यहाँ पर जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक किसान ऐसे ही यूज करता है, घर में पौधा लगा हो, या फिर हमने अपने गमले में पौधा लगाया हो, या किसान अपने खेत में कोई पौधा लगा रहा हो, तो जब हम कुछ किसी चीज को छिड़कते हैं, पानी को ही छिड़कते हैं, कीटनाशक को छिड़कते हैं, फोलियर फर्टिलाइजर या कुछ भी, जैसा कि मैंने बताया, कुछ भी चीजों को हम छिड़कते हैं, तो उसको पानी में घोलते हैं, और घोलने के बाद उसे एक स्प्रेयर में डालते हैं, और उसके बाद छिड़कते हैं, तो जो पानी की बूंदे होती है, वो जो है उसके साथ हमारा कीटनाशक मिला होता है। तो जहां पर पानी की बूंदे रहती है वहां पर कीटनाशक तो काम करता है, लेकिन जहां पानी की बूंदे नहीं रहती है वहां कीटनाशक काम नहीं करता है। और पानी की बूंदे बनती क्यों है, क्योंकि पानी के अंदर सरफेस टेंशन का गुण होता है। तो अब इसको मैं इनलार्ज करके देखता हूं, यही सेम केस, पानी की सरफेस टेंशन की वजह से पानी की बूंदे बन गई, यहां पर कीटनाशक है, यहां कीड़ा मरेगा, लेकिन यहां पर कीड़ा नहीं मरेगा। और बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिसकी कि जो पत्ते होते हैं या जो उसके तना होते हैं, वो वैक्सी होती है, मोम की जैसे होती है, उसमें पानी ठहरता ही नहीं है, तो आप जो भी छिड़क रहे हैं वो सारा नीचे आ रहा है, जमीन पर आ रहा है, कोई भी कीड़े को वो मार नहीं पा रहा है। तो ये चीजें एक जनरल एक किसान के लिए बहुत बड़ी समस्या वाला कारण होता है। तो अब यहाँ पर इस किसान ने क्या किया कि इस पानी और कीटनाशक के साथ मिला दिया एक्टिविटी। तो इसने क्या किया, तीन काम किया जो मैं पीछे जाकर दिखा रहा हूँ, एक्टिवेटर, बीटर और स्प्रेडर किया, किसके साथ, पेस्टिसाइड के साथ। और देखिए इसने क्या किया, पानी को और ज्यादा उसका काम करा दिया, कीटनाशक का और ज्यादा काम करा दिया, और ज्यादा गीला कर दिया, देखिए यहाँ पर गीलापन और यहाँ का गीलापन, और पानी की बूंदों को तोड़ दिया, यानी कि स्प्रेडर का काम कर दिया, फैला दिया। तो इससे फायदे क्या होंगे, इससे फायदे ये होंगे कि हमारा सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगा, पानी चारों ओर फैल जाएगा, पत्ते में पानी ज्यादा देर तक रहेंगे, पेनिट्रेशन ज्यादा होगा पानी का, जबकि सरफेस टेंशन की वजह से पेनिट्रेशन भी कम होती है, तो पेनिट्रेशन ज्यादा होगा तो एवोपरेशन कम होगा, एवोपरेशन कम होगा तो पत्ते पर या मिट्टी पर पानी ज्यादा देर तक स्टे करेगा। तो ये फायदा मिलता है हमें एक्टिविटी को यूज करने से। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये प्रोडक्ट जो हमारा है, इसमें 80% जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं, नॉन आयोनिक इन नेचर है, एक्टिवेटर, बीटर, स्प्रेडर का काम करता है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया काम करता है। उसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। जब भी आप किसान को देखेंगे कि मार्केट से कीटनाशक वगैरह खरीद कर लाते हैं, तो वो क्या होता है, वो तो या तो ऑयली बेस पर होता है या पाउडर बेस पर होता है। तो उसको क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, और पानी में डालने के बाद क्या करते हैं, उसको डंटे से ऐसे ऐसे मिलाते हैं। तो
क्या होता है कि वो अच्छे से मिल नहीं पाता है, क्योंकि तो ऑयल भी अगर पानी में मिलाएंगे तो अच्छे से नहीं मिलेगा, पाउडर को भी पानी में मिलाएंगे तो अच्छे से नहीं मिलेगा, और जब उसका हम स्प्रे करते हैं तो अनइवन स्प्रे होता है, कहीं ज्यादा कहीं कम ऐसा होता है। ये प्रॉब्लम को भी खत्म कर देता है एक्टिविटी, क्योंकि जब उसी में उसी घोल में आप एक्टिविटी डाल देते हैं तो ये पानी को में कीटनाशक को घुलने में बहुत अच्छे से मदद करता है, और अच्छे से जो है कि आप उसको स्प्रे कर सकते हैं, पहला। दूसरी बात कि जो नोजल जाम हो जाता है, जंग लग जाता है, वो भी यहाँ नहीं होगा अगर आप एक्टिविटी का यूज कर रहे हैं, किसान उससे भी बहुत परेशान रहते हैं। तो ये सारी चीजों को का फायदा हम यहाँ से ले सकते हैं एक्टिविटी का, अगर हम लोग इसमें यूज करते हैं तो। दोस्तों अगर एक्टिविटी को हम अपने कीटनाशक, फफूंदी नाशक, फोलियर फर्टिलाइजर, डिफोलिएटर या किसी भी चीज के साथ हम मिलाते हैं तो क्या ये फायदा देगा किसान को? किसान को ये फायदा देगा कि जो पानी बार बार वो यूज कर रहा था, खेत में बार बार यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार जो कीटनाशक यूज कर रहा था वो उसको बार बार यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार जो फफूंदी नाशक खेत में यूज कर रहा था उसे बार बार यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां उसे 4 बार यूज करना पड़ रहा था वहां 2 बार यूज कर रहा है, तो उसे 2 बार का खर्च बचता है। सिंचाई में भी आप देखते हैं कि किसान जो है बाहर से भाड़े पर, जो अच्छे किसान नहीं रहते हैं, थोड़े कमजोर किसान रहते हैं, वो क्या करते हैं कि वो भाड़े पर लाते हैं टुल्लू पंप, घंटे के हिसाब से पेमेंट करते हैं। तो अगर 5 घंटे अगर वो सिंचाई कर रहे हैं तो जो पे करना पड़ा वो अगर 3 घंटे में हो जाए तो वो भी फायदा वहां नजर आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हम इसका यूज कितने अच्छे से करते हैं, तो ये हमारे किसानों का टाइम, एनर्जी और मनी सारा कुछ बचाता है। और कैसे यूज करना है, क्या तरीका है, तो सिंपल है। इंसेक्टिसाइड हो, फंगिसाइड हो, फोलियर फर्टिलाइजर हो, डिफोलिएटर हो, ये जितनी भी चीजें हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट हो, जो भी चीजें हो, इसको आप मार्केट से खरीद लें। खरीद लेने के बाद आप इसको जो भी इसमें लिखा हुआ है तरीका, उस तरीके से आप उसको पानी में मिला दीजिए अपने स्प्रेयर में। 15 लीटर का जनरली आता है वो, उसमें आप क्या करें कि उसको मिला लें, और जब वो 15 लीटर का घोल तैयार हो जाए आपका तो उसमें हमारे एक्टिविटी को 5 ml डाल दें, और जो मैंने फायदा बताया वो सारा फायदा यहाँ नजर आया। खरपतवार नाशक के साथ अगर मैं बात करूँ, हर्बिसाइड के साथ बात करूँ, तो सेम हर्बिसाइड और पानी का एक घोल बना लीजिए, जब 15 लीटर का घोल तैयार हो जाए तो 20 ml उसमें हमारा प्रोडक्ट एक्टिविटी डाल दीजिए। और अगर इरिगेशन में यूज करें, सिंचाई में अगर हम लोग यूज करते हैं, तो एक एग्जाम्पल देके मैं बता रहा हूँ, आपका खेत जितना भी बड़ा होगा आप उससे उसका रेशियो निकाल कर आप यूज कर सकते हैं। मान के चलिए आपका 1 एकड़ जमीन है, तो जो रिसर्च किया गया था यूनिवर्सिटीज में, तो देखा गया कि 1 एकड़ में 80 लीटर पानी छिड़कने में लगता है। अगर आप उसको स्प्रे करेंगे तो करीब 1 एकड़ जमीन में आपको 80 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, तो 80 लीटर पानी में 160 ml हमारा एक्टिविटी को मिला देना है, यानी कि 1:2 का रेशियो है, 1 लीटर में 2 ml का रेशियो है, तो आप इसको वहां मिला देते हैं। आप अपने खेत के साइज को आप देख लें, अगर 1 एकड़ है तब तो ये बना हुआ है, यहाँ पर सारा फॉर्मूला आपके लिए बना हुआ है, लेकिन अगर आप आपका खेत इससे बड़ा है या छोटा है तो आप एक अंदाज लगा लें कि आपके खेत में पानी छिड़कने में कितना लीटर पानी लगेगा। मान के चलिए 50 लीटर पानी लगने वाला है, तो 100 ml हमारा एक्टिविटी उसमें मिलाएं और पूरे खेत में छिड़क दें, और छिड़क देने के बाद उसमें आप पानी छोड़ दें। पानी छोड़ दे का मतलब होता है कि आप पटवन कर दें। तो वो जो जितनी भी चीजें मैंने बताई, पानी मिट्टी में अंदर तक जाएगा, एवोपरेशन कम होगा, नमी ज्यादा देर तक रहेगी, पौधे को पानी ज्यादा मिलेगा, ये सारा फायदा जो है नजर आता है किसान को। और एक कॉशन है कि जब आप इसको पहली बार यूज कर रहे हैं तो आप इसको एक बार टेस्ट कर कर देखें, खेत के कॉर्नर में एक बार टेस्ट करके कुछ फसलों पर यूज करके देख लें, कॉन्फिडेंट हो जाएं, उसके बाद सारे खेत में इसको आप यूज करें, तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। तो आइए, कुछ वीडियोस है इसका, मैं वीडियो दिखाता हूँ, बहुत काम के वीडियोस हैं, और उस वीडियो से आपकी क्लैरिटी और बढ़ेगी, बहुत अच्छी से क्लैरिटी आपकी बढ़ेगी और आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रोडक्ट के क्या क्या फायदे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिविटी का एक डेमो और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिविटी पानी के सतही तनाव को कम करके सिंचाई के सहायक के रूप में काम कर सकता है, और कैसे एक्टिविटी कम पानी से ज्यादा जमीन को गीला करने में मदद करेगा। तो इस डेमो के लिए हमें चाहिए 2 पानी के ग्लासेस और 2 गत्ते के टुकड़े, जिनको हम सिंबॉलिकली मान के चलेंगे कि ये हमारे जमीन के टुकड़े की तरह है। जैसे जमीन की परतें होती हैं, वैसे नेचुरली इस गत्ते की भी परतें हैं। दोनों ग्लासेस में नॉर्मल प्लेन पानी है,
लेकिन एक ग्लास में हम डालेंगे थोड़ा सा एक्टिविटी और उसको मिक्स कर देंगे एक स्पून की मदद से। सो अब इस ग्लास में हमारे पास सिंपल प्लेन पानी है और इसमें पानी के साथ हमने एक्टिविटी मिक्स किया है और इकट्ठे इन दो गत्तों को हम इस ग्लास में डिप कर देंगे। देखते हैं क्या होता है। एक्टिविटी पानी के सतही तनाव को कम करता है जिससे कि पानी की बूंदें नहीं बनती, पानी फैल जाता है और कम पानी से हम ज्यादा जमीन को गीला कर सकते हैं। इनफैक्ट जब आप एक्टिविटी को सिंचाई के सहायक के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो ये पानी की जो दर है जमीन में जाने की, कितनी तेजी से पानी जमीन में जाता है, कितनी गहराई तक जाता है, उन दोनों को बढ़ाएगा। वाष्पीकरण के कारण पानी बहुत जल्दी सूखेगा नहीं, लंबे समय तक जमीन में नमी रहेगी, कम पानी से ज्यादा जमीन को गीला कर सकेंगे और जब जमीन में नमी है तो पौधों की पैदावार पहले से ज्यादा बेहतर होगी। आइए देखते हैं इन दो गत्तों में हमें क्या फर्क दिख रहा है। पहले गत्ते में जिसमें सिर्फ पानी है ग्लास में, हम देख रहे हैं कि पानी वहीं तक गया है जहां तक पानी का लेवल है ग्लास में और इनफैक्ट गत्ता सूखा है, आप रंग से बता सकते हैं, और अंदर की परतें भी सूखी हैं, यानी कि पानी सोखा नहीं गया। और ऐसा हमारे खेत में भी होता है, पानी ऊपर ऊपर ही रह जाता है और फिर सूरज की गर्मी के कारण उड़ जाता है। लेकिन दूसरे ग्लास में हम देख रहे हैं कि गत्ता अच्छे तरीके से गीला हो चुका है, पानी बहुत बढ़िया तरीके से सोखा गया है, पानी ऊपर चढ़ा है, पूरा गत्ता गीला हो चुका है, जमीन में नेचुरली पानी नीचे जाएगा और फैलेगा। कम पानी से हम ज्यादा जमीन को गीला करेंगे और अंदर की परतें भी यदि आप देखें अच्छे तरीके से गीली हैं, यानी कि पानी अच्छे तरीके से सोख लिया गया है। सो दिस इज एक्टिविटी फॉर यू, जिसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं सिंचाई के सहायक के रूप में तो हम कम पानी से ज्यादा जमीन को गीला करेंगे, नमी बहुत लंबे समय तक बनी रहेगी, फसल की पैदावार बढ़ेगी और हमारा देश और भी ज्यादा तेजी से प्रगति करेगा। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिविटी का एक डेमो और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिविटी पानी के सतही तनाव को कम करके पानी की बूंदें नहीं बनने देता। तो जब भी किसान किसी भी दवाई का घोल छिड़काव करेगा अपनी फसल के ऊपर तो पूरे पत्ते फल सब्जी के ऊपर इकसार रूप से यूनिफॉर्मली वो स्प्रे स्प्रेड होगा, दवाई का प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा, कीड़े कम लगेंगे और फसल की पैदावार बहुत बढ़ेगी। लेकिन नॉर्मली जब सिर्फ पानी और दवाई का स्प्रे किया जाता है तो वो स्प्रे अच्छे तरीके से स्प्रेड नहीं होता क्योंकि बूंदें बन जाती हैं पानी की। ये कैसे होता है, आइए इसको देखने के लिए हम ले रहे हैं दो पत्ते और एक स्प्रे बॉटल। इसमें नॉर्मल सिंपल पानी है और हम ये स्प्रे करते हैं एक पत्ते के ऊपर, देखते हैं कि किस तरह से बूंदें बनती हैं। सो आप देख रहे हैं कि जब हम इसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो ये पत्ता पूरे तरीके से गीला नहीं हो रहा, इनफैक्ट आपको कई सारी बूंदें दिख रही होंगी। ऐसा हमारे खेतों में भी होता है जब किसान किसी भी दवाई का छिड़काव करता है, वो दवाई पूरे पत्ते फल सब्जी के ऊपर पहुंचती नहीं है क्योंकि पानी के सतही तनाव के कारण बूंदों की शक्ल में वो स्प्रे पत्ते फल या सब्जी के ऊपर गिरेगा। तो जहां पर बूंद है वहां पर तो दवाई है, लेकिन जहां पर बूंद नहीं है वहां पर दवाई नहीं है और इस कारण से दवाई का छिड़काव करने के बावजूद कीड़ा लग जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है एक्टिविटी। जब हम एक्टिविटी को पानी में मिला देंगे पानी का सतही तनाव कम हो जाएगा और बूंदे बनने की प्रक्रिया टूट जाएगी। तो आइए इस स्प्रे बॉटल में हम थोड़ा सा एक्टिविटी मिलाते हैं। सो मैंने थोड़ा सा एक्टिविटी मिलाया और इसके स्प्रे बॉटल की कैप को हम बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा सा हम हिला देंगे, मिक्स कर देंगे और दूसरे पत्ते के ऊपर अब हम इसका स्प्रे करते हैं और देखते हैं कि क्या फर्क होता है।
अब जब हम इसको स्प्रे करेंगे तो आप देख रहे हैं कि पत्ता पूरी तरह से गीला हो रहा है. यू कैन सी द डिफरेंस. यहां पे अभी भी बूंदे बनी हुई हैं जहां पर हमने सिर्फ पानी का छिड़काव किया था, लेकिन जहां पे हमने पानी और एक्टिविटी का छिड़काव किया है कोई बूंदे नहीं बनी और पत्ता पूरे तरीके से गीला हो चुका है. तो जब किसान दवाई का छिड़काव करते हुए उस दवाई के घोल में एक्टिविटी मिला देगा तो पूरा पत्ता, फल, सब्जी गीली होगी, दवाई यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगी और उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इंसेक्ट और पेस्ट कंट्रोल के लिए, और इस तरह से उसकी फसल की पैदावार भी बढ़ेगी. सो दिस इज एक्टिविटी फॉर यू. थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग. इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिविटी का एक डेमो और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिविटी पानी के सतही तनाव को कम करके किसी भी तरह की पाउडर बेस्ड दवाई को पानी में घोलने में मदद करता है. वो चाहे कोई पेस्टिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, हर्बिसाइड हो या कोई भी दूसरी दवाई हो. आमतौर पर जब किसान किसी भी दवाई को पानी में मिलाते हैं तो वो अच्छे तरीके से घुलती नहीं है, उन्हें एक डंडे की मदद से घोलना पड़ता है, उसके बावजूद वो नहीं घुलेगी और जो फिर स्प्रे जाएगा वो सही तरीके से दवाई को पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर नहीं लेके जाता. लेकिन एक्टिविटी चुटकियों में हर पाउडर बेस और ऑयल बेस्ड दवाई को पानी में घोल देता है. इस डेमो के लिए हम पानी के दो ग्लासेस ले रहे हैं और साथ में हम सिंबॉलिकली एक टेलकम पाउडर ले रहे हैं. दोनों ग्लासेस में हम टेलकम पाउडर डालेंगे पर एक ग्लास में हम पानी के साथ एक्टिविटी भी डालेंगे. सो दोनों में नॉर्मल प्लेन वाटर है और एक ग्लास में मैं थोड़ा सा एक्टिविटी डाल देता हूं. इसको हम एक स्पून की मदद से मिक्स कर देते हैं और अब इन दोनों ग्लासेस में हम ये टेलकम पाउडर डालते हैं जो हम सिंबॉलिकली मान के चल रहे हैं कि कोई भी पाउडर बेस्ड दवाई है जो किसान को छिड़काव करना है जिसका या स्प्रे करना है. देखते हैं क्या होता है. सो इस सिर्फ पानी में मैंने डाला और पानी और एक्टिविटी के घोल में डाला. आप देखेंगे कि जिसमें पानी और एक्टिविटी है उसमें पाउडर इमीडिएटली घुलना शुरू हो गया है, लेकिन जिसमें सिर्फ पानी है उसमें पाउडर अभी भी नहीं घुल रहा. और अगर मैं इसको हिलाऊं उसके बाद देखते हैं क्या होता है. सो मैं इसको मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं. अभी भी ये अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हुआ, पाउडर ऊपर है. मैं चाहूंगा कि हम सबको दिखा सकें, पाउडर अभी भी ऊपर है लेकिन दूसरे ग्लास में पाउडर ऑलरेडी घुलना शुरू हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से और एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन चुका है. अगर मैं इसको हल्का सा हिला दूं तो आप देखेंगे कि पाउडर बढ़िया तरीके से, पूरे तरीके से घुल चुका है, लेकिन दूसरे ग्लास में जिसमें सिर्फ पानी है उसमें पाउडर अभी भी ऊपर आपको दिखाई देगा. सो दिस इज एक्टिविटी फॉर यू, जो किसी भी तरह की पाउडर बेस्ड या ऑयल बेस्ड दवाई को पानी में बहुत आसानी से घोल देता है. थैंक यू सो मच. तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा ये तीन वीडियोस कितने अच्छे वीडियो थे और इसमें बताए गए थे कि हमारा एक्टिविटी प्रोडक्ट कितने अच्छे से काम करता है और किसानों को कितनी तरह से मदद करता है. तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट पर. आज का जो हमारा अगला प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है हमारा एक्टिविटी गोल्ड. ये तो सारा हम लोगों ने डेमो देख लिया. एक्टिविटी गोल्ड, ग्रो गोल्ड ऑन ट्रीज, यानी कि पौधे पर सोना उपजाएं. दोस्तों, ये प्रोडक्ट हमारा बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत ही डिमांडेड प्रोडक्ट है. इस प्रोडक्ट में और एक्टिविटी में कुछ सिमिलरिटीज भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं. वो हमें जानना होगा कि कौन सा सिमिलरिटीज है और कौन कौन सा डिफरेंसेस है. तो दोस्तों, एक्टिविटी गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ऑल पर्पस नॉन आयोनिक स्प्रे एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट है, जैसा कि हम लोगों ने एक्टिविटी में भी बात किया था. और ये भी प्रोडक्ट हमारे खेतों में अगर यूज होता है, कीटनाशक में, फफूंदी नाशक में, खरपतवार नाशक में, वॉट एवर, जिसमें भी हम लोग इसको यूज करते हैं, तो वहां ये एक्टिवेटर, वीटर और स्प्रेडर के रूप में काम करता है. ये एक प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है एंड बायोडिग्रेडेबल है. दोस्तों, यही डिफरेंसेस है हमारे एक्टिविटी में और एक्टिविटी गोल्ड में. सारा फंक्शन एक है, काम करने का तरीका एक है, यूज करने का तरीका एक है, सारा कुछ एक है. अंतर है सिर्फ उसके इंग्रेडिएंट में, उसके सर्फेक्टेंट में डिफरेंसेस है.
हमारा जो एक्टिविटी गोल्ड है उसके अंदर जो सर्फेक्टेंट मिले हुए हैं वो नेचुरल वेजिटेबल्स के हैं, बायोडिग्रेडेबल है और साथ ही साथ वातावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसके अंदर भी 80% एक्टिव इंग्रेडिएंट है और वो सारे बायोडिग्रेडेबल और वेजिटेबल बेस्ड है। ये भी प्रोडक्ट हमारा एक्टिवेटर, वेटर, वीटर एंड स्प्रेडर के रूप में काम करता है और कंपैटिबल है, नॉन कोरोसिव है, जो कि हम लोगों ने बात किया था एक्टिव 80 में भी। तो ये भी प्रोडक्ट जिस चीज के साथ आप इसको मिलाते हैं उसका फायदा बढ़ा देता है, गुण बढ़ा देता है, किसी भी फसल में इसका यूज हो सकता है, कोई भी फसल में आप इसका यूज कर सकते हैं। मैं बैक आऊंगा, जैसे कि आप देख रहे हैं फसल के बारे में, सारे तरह के फसलों में आप इसको यूज कर सकते हैं, सारे तरह की मिट्टियों में इसको यूज कर सकते हैं, सारे मौसम में आप इसको यूज कर सकते हैं, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये प्रोडक्ट जनरली जिन लोगों को प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना रहता है, विदेश में भेजना रहता है, तो वहां पर लोग जनरली जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक्टिविटी गोल्ड का यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है, वेजिटेबल बेस्ड है। साथ ही साथ आप भी इसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे प्रोडक्ट का यूज करूं जो कि वेजिटेबल बेस्ड उसके अंदर इंग्रेडिएंट मिले हों, और ये प्रोडक्ट जो है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के द्वारा अप्रूव्ड भी है। तो ये एक प्रोडक्ट है जो कि एक्टिविटी के जैसा ही सिमिलर है, यूज करने का तरीका वगैरह सारा सेम है, लेकिन उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं उसमें थोड़ा डिफरेंसेस है जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए इसको यूज करने का तरीका क्या है, सेम तरीका, सेम टेक्निक है, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, फोलियर फर्टिलाइजर, डिफोलिएटर, प्लांट न्यूट्रिएंट के साथ अगर मैं बात करूं तो वही 15 लीटर का घोल बनाना है और 5 ml एक्टिविटी गोल्ड को मिला लेना है। अगर मैं हर्बिसाइड के बारे में बात करूं, खरपतवार नाशक के बारे में बात करूं, तो खरपतवार नाशक और पानी का 15 लीटर का घोल बना ले और उसमें 20 ml डाल दे हर्बिसाइड एज इट इज, जैसा कि एक्टिव 80 में हम लोगों ने बात किया था। और इरिगेशन में अगर आपके पास 1 acre जमीन है तो करीब 80 लीटर पानी उसे छिड़कने में लगेगा और उसमें 160 ml हमारा एक्टिविटी गोल्ड मिलाएंगे और छिड़क देंगे। और इसमें भी कॉशंस है कि अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो एक पैच टेस्ट कर ले और उसका देख लें कि कैसा है, क्या रिजल्ट है, उसके बाद कॉन्फिडेंट हो जाए, फिर पूरे खेत में आप इसको यूज करें। बच्चों से के पहुंच से दूर रखें, अपने आंखों से और स्किन से टच ना होने दें, और अगर कुछ ऐसा होता है तो पानी से धो लें, और कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट भी करें। सोप और वाटर से हाथ धो सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, फिर भी प्रिकॉशनरी मैं आपको बता रहा हूं। तो ये सारी चीजें हैं हमारा एक्टिविटी गोल्ड में। नाउ जो तीसरा प्रोडक्ट है हमारा जिसके बारे में लोग बात करेंगे वो है हमारा एक्टिव जाइम। ये प्रोडक्ट जो है जिसके बारे में मैं अभी बात करने जा रहा हूँ एक्टिव जाइम, ये खुद में एक पावरफुल प्रोडक्ट है। खुद में पावरफुल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि ये प्रोडक्ट जो है आपका पौधों को ताकत देता है। जैसे कि हम विटामिन खाते हैं, मिनरल खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, एक इंसान क्यों खाता है कि शरीर में मजबूती रहे, ताकत रहे, वो बीमार ना पड़े, वैसे ही पौधों को भी ताकत की जरूरत पड़ती है। तो एक्टिव जाइम वहां पर मदद करता है पौधों को ताकत देने में। तो ये एक प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सी वीट से बनाया गया है। सी वीट का मतलब एक मैराइन एल्गी है जो आयरलैंड के पास से निकाला गया है और उसी का इसमें यूज किया गया है। और साथ ही साथ इसको जब हम लोग यूज करते हैं तो ये पौधों का उपज तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, मिट्टी का भी कह सकते हैं केयर करता है और मिट्टी को की भी उर्वरता बढ़ाने के काम में आता है। देखिए इंप्रूव्ड सॉइल कंडीशंस, केमिकल का यूज करते हैं हम लोग, फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, मिट्टी खराब होने लगती है, उन सारी चीजों का असर को धीरे धीरे कम करता है। क्रॉप चेंज करते हैं, क्रॉप पैटर्न में इसका यूज कर सकते हैं। अक्सर देखते हैं हम लोग खेतों में पराली जलाते हैं, कुछ कुछ जलाते हैं जिससे खेत की उर्वरता खत्म हो जाती है। तो ये जो मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे खत्म हो रही है तो उसको फिर वापस लाने के लिए हम लोग एक्टिव जाइम का यूज कर सकते हैं, और एक्टिव जाइम का यूज करेंगे तो पौधा तो अच्छा होगा ही होगा, मिट्टी भी हमारा अच्छा होता जाएगा। देखिए इसके अंदर ऐसे बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं जो मैराइन प्लांट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो कि पौधों को चाहिए और पौधों के लिए बहुत ही पावरफुल काम करता है। जैसे कि अगर 6 मेजर कंपोनेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो साइटोकाइनिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पौधों के ग्रोथ के लिए, ऑक्सिन है, जिब्रेलियंस है, एंजाइम्स हैं बहुत सारे ना, बीटेन्स है, उसके अलावा हाइड्रोलाइज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। ये सारे चीज जो है, ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे पौधों के लिए बहुत जरूरी होती है और पौधों के ग्रोथ में, जिस तरह से हमारा हमें मिनरल चाहिए तो 10 तरह की मिनरल चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, हमें वाइटमिन तरह तरह के वाइटमिन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट्स चाहिए, वो सारी चीजें जैसे हमें डिफरेंट डिफरेंट चाहिए, तो वहां भी पौधों को हम देते हैं एक्टिव जाइम के जरिए।
ये हमारे पौधों का उपज बहुत बढ़ाता है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर क्या मिलता है पौधों को, तो सबसे पहला तो 60 तरह के मिनरल्स एंड एलिमेंट्स मिल जाते हैं। आप सोच सकते हैं 21 तरह के अमाइनो एसिड मिल जाते हैं, बहुत तरह के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं, बहुत सारे प्लांट न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स मिल जाते हैं, बहुत सारे ट्रांस एलिमेंट्स मिल जाते हैं। और ये ऑर्गेनिक तो है ही नेचर में, क्योंकि समंदर से निकाला गया है, ऑर्गेनिक तो है ही है। तो ये सारी चीजों को अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि एक्टिवजाइन पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो अगर आप पौधे की उपज बढ़ाना चाहते हैं, उसके जड़ को मजबूत करना चाहते हैं, डेवलपमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, सॉइल की माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही साथ आप चाहते हैं कि पौधा और अच्छा हो, उपज और अच्छी हो, फसल का साइज और अच्छा हो, दाम अच्छा मिले, वेराइटी अच्छी हो, ये सारा चीज अगर आप चाहते हैं तो यू कैन यूज एक्टिवजाइम। क्योंकि ये क्या करता है, पौधे को न्यूट्रिशनल सपोर्ट देता है, एक्टिवेट्स करता है प्लांट के साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को। तो ये दोनों चीजों को बहुत अच्छे से ये यूज करता है और इसको मदद करता है। सारे तरह के फसलों में आप इसको यूज कर सकते हैं, चाहे वो फील्ड क्रॉप हो, चाहे पल्सेस हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे प्लांटेशंस कर रहे हो, हॉर्टिकल्चर, ऑयल सीड्स, अदर्स, कहीं भी जो ये सारी चीजों के बारे में बात हो रही है, तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, पोषण चाहिए पौधे को, तो वो यहाँ से उसे मिल जाता है। आप दे सकते हैं एक्टिवजाइम। कैसे यूज करना है, 1 लीटर पानी में 1 ml एक्टिवजाइम लगाना है, मिलाना है, और मिलाकर जो है आप इसे खेत में पौधे पर छिड़क सकते हैं, जो पौधे होते हैं उस पर आप छिड़क सकते हैं। ठीक है, जनरली देखिए, जनरली अप्लाइड एट द रेट ऑफ 200 ml पर एकड़, पर एकड़ में करीब 200 ml की जरूरत पड़ती है, और आप इसको पूरे फसल पर छिड़क सकते हैं। यूज करने के पहले इसको अच्छे से शेक कर लीजिए, सुबह और शाम में अगर इसका छिड़काव करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। साथ ही साथ इस प्रोडक्ट को आप हाईली अल्कालाइन नेचर वाले प्रोडक्ट के साथ मिलाकर यूज ना करें, ठीक है। साथ ही साथ जो है इसके जैसे हर्बिसाइड के साथ भी इसका यूज नहीं करें, खरपतवार नाशक के साथ भी आप इसका यूज नहीं करें। तो इन सारी चीजों का आप ध्यान देते हुए इस प्रोडक्ट को आप आसानी से यूज कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट जब आप मिलाते हैं और खेतों में जब देते हैं, तो आप देखेंगे पौधे पर कीड़े भी कम लग रहे हैं, फफूंदी भी कम लग रहे हैं, क्योंकि पौधा ऑलरेडी अंदर से मजबूत हो गया है, बीमार नहीं पड़ रहा है। और अगर पौधा बीमार नहीं पड़ रहा है तो उपज में अंतर आएगा ही आएगा, क्वालिटी में अंतर आएगी ही आएगी, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ नजर आने लगती है। तो ये चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ भी क्वेश्चन यही है कि पहली बार अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप एक पैच टेस्ट कर ले, उसके बाद पूरे खेत में यूज करें। एंड द लास्ट प्रोडक्ट दैट इज वेरी गुड प्रोडक्ट, दैट इज मैक्सिमाइज प्लांट ग्रोथ, और वो प्रोडक्ट का नाम है हमारा एक्टिव मैक्स। ये क्या करता है, पौधे के अंदर माइक्रोबियल मेटाबॉलिक प्रोसेस को बढ़ाने का काम करता है। जैसे कि हमारे शरीर, एक मनुष्य के शरीर के अंदर भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं, तो उस प्रोसेसेस को कंटिन्यू करने के लिए हम खाना खाते हैं। और खाने में भी क्या बोलते हैं हम लोग कि एक संतुलित आहार खाना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जिसमें सारा कुछ हो, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, सारा कुछ हो, तो हमारा शरीर जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। तो पौधों के भी मेटाबॉलिक प्रोसेस को अच्छा करने के लिए उसे तरह तरह की चीजें देने की जरूरत पड़ती है, ताकि उपज हमें ज्यादा मिले, क्वालिटी हमें अच्छी मिले। तो जनरली जब हम इसको एक्टिव मैक्स का यूज करते हैं, तो ये क्या था, जर्मिनेशन इश्यूज को खत्म करता है, ए बायोटिक स्ट्रेस को खत्म करता है, आगे हम उसको डिटेल्स में देखेंगे। साथ ही साथ फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, यील्ड बढ़ा देता है, और साथ ही साथ जो सॉइल का पुअर हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव करने के काम में आता है। और ये प्रोडक्ट जब हम यूज करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जब तक यील्ड इज नॉट सील्ड अंटिल हार्वेस्टेड, यानी कि किसान को पता नहीं रहता है कि पौधे से उसे क्या मिलने वाला है, कब मिलने वाला है। क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा है ट्रेनिंग के कि किसान को लगता है कि खेती एक तरह का जुआ है उनके साथ, तो अगर आप इन सब चीजों का यूज करते हैं तो वो जुआ नहीं रह जाएगा, आपको पता रहेगा मेरी उपज कैसी होने वाली है और कितनी अच्छी होने वाली है। इस प्रोडक्ट को जानने के पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होती है, ताकि उपज जो होती है पौधे की प्रभावित होती है, ताकि हम चीजों को अच्छे से समझकर प्रोडक्ट को यूज कर सकें। तो आप जनरली देखेंगे कि चार ऐसे फैक्टर हैं जो कि हमारे यील्ड को लिमिट कर देते हैं, बढ़ने से रोक देते हैं। पहला तो है न्यूट्रिएंट डिमांड। देखिए, जब पौधे रिप्रोडक्टिव एज में रहते हैं, स्टेज में रहते हैं, तो उन्हें ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, करीब 200 से 500% ज्यादा, जो किसान नहीं दे पाते हैं, तो पौधा जन से ही कमजोर हो जाता है। तो
कमजोर बच्चों में आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि उसका जो यंग एज हो या फिर बुढ़ापा हो वो अच्छा हेल्दी होगा, वो बीमार रहेगा ही रहेगा। तो ये हम नहीं कर पाते हैं, इसके वजह से प्रोडक्टिविटी जो होती है क्या होता है, लिमिटेड हो जाती है। उसके अलावा जो न्यूट्रिएंट वो ले रहा है, चाहे वो बाहर से ले रहा हो, चाहे वो मिट्टी से ले रहा हो, चाहे पौधे के अपने अंदर बना रहा हो, वट एवर, उस वो जो मोबिलिटी है, जहां जितना जाना चाहिए, जिस मात्रा में जाना चाहिए, वो जो कम्युनिकेशन है, वो जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो सही सही नहीं हो पा रहा है। तो वैसी स्थिति से भी पौधे की जो उपज गिरती है। सॉयल इनकैपेबिलिटी मतलब ये है कि जो सॉयल है हमारा, जो मिट्टी है, वही मिट्टी अच्छी नहीं है जहाँ से पौधे अपना पोषण ले रहे हैं। तो मिट्टी का भी अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। और ए बायोटिक स्ट्रेस जो मैंने शुरू में बताया था कि वी विल डिस्कस लेटर, तो यहाँ पर देखिए कि ए बायोटिक स्ट्रेस का मतलब होता है जिस पर कि किसान का कंट्रोल ही नहीं है। फ्लड आ जाना, बाढ़ आ जाना, बारिश ज्यादा हो जाना, बारिश कम हो जाना, सूखा पड़ जाना, तूफान आ जाना, आंधी आ जाना, ये सारी चीजें जो है किसान के हाथों के बाहर का है। और वैसी स्थिति में ये सब भी जो है उपज को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तो इसको रोकने के लिए एक्टिव मैक्स प्रोडक्ट है। इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, दैट इज कॉल्ड आई नेट टेक्नोलॉजी, इंडो लाइफ न्यूट्रिएंट एनेबलर टेक्नोलॉजी, इसका यूज किया गया है। दोस्तों इसके अंदर चार तरह की टेक्नोलॉजी यूज की गई है, एक एक करके हम लोग इसके बारे में देखेंगे। पहला, कच्चा माल जो रॉ मटेरियल इसके अंदर लिया गया है वो क्या है। तो इसके अंदर जो रॉ मटेरियल लिया गया है, जो मैक्सिमम मात्रा में डाला गया है, वो वही है जो हमारा एक्टिव जाइम में है। एक्टिव जाइम में जो खेती में हम लोग यूज करते हैं, इसके पहले मैंने बताया था उस प्रोडक्ट के बारे में, तो वहां पर जो हम लोग सीवीड का यूज करते हैं, वही सीवीड यहाँ भी लेते हैं, यहाँ भी यूज करते हैं, और इसको बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, और इसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। तो ये प्रोडक्ट जो है, इसका जो एक सबसे खासियत था आईनेट टेक्नोलॉजी का, वो सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके अंदर जो रॉ मटेरियल लिए गए हैं, वो ऑर्गेनिक प्लांट है जो आयरलैंड के वेस्टर्न पार्ट से लिए गए हैं, जो कि एक कह सकते हैं कि पावरफुल न्यूट्रिशन बैंक है। और जिस तरह से हम लोगों ने एक्टिव जाइम में बताया था कि उस वीट के अंदर, सी वीट के अंदर क्या क्या मिलता है, वो देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है। साइटोकाइनिन, बीटेंस, ऑक्सिन, जिब्रेलियंस, एंजाइम, हाइड्रोलाइट, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये सारा चीज यहाँ भी मिला हुआ है जो वहां था, क्योंकि सेम चीज यहाँ यूज किया गया है, लेकिन वहां वो 100% था, यहाँ ये 100% नहीं है। और उन चीजों से जो हमें मिलता है, सी वीट से हमें क्या मिलता है, ऑर्गेनिक तो है ही है, 7 तरह के मिनरल्स एंड एलिमेंट्स मिलते हैं, 21 तरह का अमाइनो एसिड मिलते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं, हार्मोन्स मिलते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स मिलते हैं, है ना, ऑर्गेनिक एसिड मिलते हैं, सॉइल कंडीशनर मिलते हैं जो कंडीशनर के रूप में काम करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, इस पौधे के अंदर, जो हमें पौधों को देनी होती है और पौधे का इससे ग्रोथ होता है। जो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने यूज किया हुआ है वो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी का है, जिसमें इसकी क्वालिटी खराब नहीं होती है। साथ ही साथ जो दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि माइक्रोबियल स्ट्रेन, इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया का रस डाला गया है, बहुत सारे बैक्टीरिया का रस डाला गया है, जो कि पौधे के साथ साथ मिट्टी के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। आयनिक टेक्नोलॉजी का जो तीसरा फायदा है वो ये है, माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स, ये है एंजाइम्स इसके अंदर जो मिले हुए हैं, या जो बायो एक्टिव कंपाउंड्स मिले हुए हैं, बायो सर्फेक्टेंट्स मिले हुए हैं, बायो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स मिले हुए, सारे जो है बायो अवेलेबल है, तो पौधे अच्छे से एब्जॉर्ब करने में मदद होती है, पौधे इसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं, क्योंकि सारा कुछ बायो अवेलेबल है, ठीक है, साथ प्रोसेस बहुत अच्छा है, बनाने का प्रोडक्ट का बनाने का प्रोसेस बहुत अच्छा है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट चीज है, इसका फॉर्मुलेशन। दोस्तों इसके अंदर जो भी चीजें मिली हुई है, एक चीजें तो मैंने बता दी आपको रॉ मटेरियल में सी वीट के बारे में, उसके अलावा भी कुछ चीजें मिली हुई है जो मैं इसके बाद बताऊंगा। तो ये जो इसका एक जो कॉम्बिनेशन है, चारों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इसके अंदर मिला हुआ, और ये एक स्टेबल कंपाउंड है, किसी भी चीज के साथ आप इसको मिला के यूज कर सकते हैं, इवन की एक्टिविटी के साथ भी यूज कर सकते हैं, एक्टिविटी गोल्ड के साथ भी आप इसको मिला के यूज कर सकते हैं। 5 सालों तक भी प्रोडक्ट चलता है, लॉन्ग शेल्फ लाइफ है। उसके अलावा इसको बनाया गया है प्लांट न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट्स के द्वारा, और उसके अंदर बायो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये प्रोडक्ट के बारे में हम कह सकते हैं एक सेंटेंस में, फॉर्मुलेशन इज नॉट ओनली साइंस, इट इज एन आर्ट, ये सिर्फ विज्ञान नहीं है, कला का भी एक सुंदर अद्भुत नमूना है हमारे सामने। और ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये प्रोडक्ट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आईने टेक्नोलॉजी के जो फायदे हैं तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला फायदा तो ये है
जो माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स होता है जो पौधों के अंदर प्लांट ग्रोथ को जो स्टिमुलेट करता है वो यहाँ पर अच्छा से होता है। उसके अलावा प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे शुगर हैं, अमाइनो एसिड हैं जो मिट्टी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, मिट्टी के अंदर जो माइक्रो फ्लोरा होते हैं उसको ज्यादा करने में मदद करते हैं। माइक्रो फ्लोरा अगर बढ़ जाएंगे मिट्टी में तो ऑटोमेटिकली जो पौधे होते हैं उसकी जो जड़ होती है उसका व्हाइट रूट ज्यादा से ज्यादा निकलेगा, और व्हाइट रूट अगर ज्यादा निकलता है तो मिट्टी से वो क्या करेगा, पोषण भी ज्यादा लेगा, न्यूट्रिएंट अपटेक ज्यादा करेगा, और अगर सब चीज अच्छा हो रहा है तो पौधे के पत्ते भी बड़े बड़े होंगे, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया भी बहुत अच्छी होगी, खाना अच्छा बनेगा। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम आईनी टेक्नोलॉजी का यूज करें अपने पौधों के ऊपर। अगर मैंने बताया था आपको कि इसमें चार तरह की चीजें मिली हुई हैं, इससे 60% तो मिला हुआ हमारा ऑर्गेनिक प्लांट जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, आयरलैंड के पास लिया गया है। 25% मिला हुआ हाइड्रोलाइज प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड, 10% मिला हुआ है ह्यूमिक एसिड, और 5% मिला हुआ है पॉलीसेक्राइड। तो ये मिलकर 100% होते हैं और एक साथ मिलकर ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं, ज्यादा अच्छा रिजल्ट ये हमें देते। कहा जाता है टुगेदर गेट्स 50% मोर रिजल्ट देन यूजिंग आइदर ऑफ द सेपरेटली। अलग अलग यूज कीजिएगा तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर एक साथ मिला के इसको यूज करते हैं तो 50% ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है हमारा। अब इसका फायदा क्या है, एक्टिव मैक्स को क्यों यूज करेंगे, इसका फायदा देखा जाए, मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो आगे के स्लाइड में इसको डिटेल्स में बताया गया है। आइए पहला क्लोरोफिल। अब क्या है कि पौधे के पत्ते बड़े बड़े होंगे, ज्यादा हरे होंगे तो क्या होगा, खाना अच्छा बनेगा, फूड का ज्यादा प्रोडक्शन होगा, खाना अगर सही सही मिलेगा तो आदमी बीमार कम पड़ता है तो वैसे पौधे भी कम बीमार पड़ेंगे। उसके अलावा दूसरा फायदा होगा स्ट्रेस रिलीफ। अब जैसे कि मान के चलिए कि थोड़ा पानी आने में देर हो गई, थोड़ा पानी ज्यादा पड़ गया, या कह सकते हैं मौसम का मार, आंधी पानी ये सब, बारिश कुछ ज्यादा हो गई, तो जनरली जो दूसरे पौधे होंगे उसमें जितना इफेक्ट नजर आएगा उतना ज्यादा इफेक्ट यहाँ नजर नहीं आएगा। सिंपल एग्जाम्पल आप बच्चों को लेकर दे सकते हैं कि कोई बच्चा अगर बहुत मजबूत है और एक बच्चा बहुत कमजोर है तो थोड़ा भी मौसम का चेंजेस होता है तो जो कमजोर बच्चा बीमार पड़ जाता है, लेकिन मजबूत बच्चा जनरली बीमार नहीं पड़ता है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस रिलीफ, ये पौधों के साथ भी होता है। उसके अलावा इम्यून सिस्टम पौधे का बढ़ जाता है, इम्यूनिटी अगर बढ़ जाएगी पौधों के अंदर की तो क्या होगा, बैक्टीरिया फंगस ये सब कीड़े जो होते हैं ये सब कीड़े इस पर लगेंगे नहीं, और लगेंगे तो ज्यादा उसका असर होने वाला नहीं है पौधे पर। उसके अलावा मिट्टी के लिए बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, ये जो है हमारे मिट्टी के गुणों को बढ़ाता है ना, इसके वजह से मिट्टी अच्छी हो जाती है, और मिट्टी जब अच्छी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो होगा कि व्हाइट रूट ज्यादा होंगे, और व्हाइट रूट अगर ज्यादा होंगे तो मिट्टी से पोषण ज्यादा आएगा, और पोषण ज्यादा आएगा तो पौधे ज्यादा हरे होंगे। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर मिली हुई, सारी चीजें यहाँ पर मिली हुई हैं जो बहुत अच्छे से काम करती हैं, और एक्टिव मैक्स का जो मोड ऑफ एक्शन है उसमें कह सकते हैं कि स्ट्रेस से, इसको शॉर्ट में अगर देखा जाए तो स्ट्रेस से लड़ने का काम करता है, रूट बायोमास को बढ़ाने का काम करता है, डिफेंस मैकेनिज्म को बढ़ाता है, फोटोसिंथेसिस को बढ़ाने का काम करता है। ये जो एक्टिव मैक्स है जो हम लोगों ने लिया है वो यूरोप की एक बहुत बड़ी कंपनी से लिया हुआ, कह सकते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड इम्पोर्ट करने वाली कंपनी, उससे हम लोग लेते हैं। उसके अलावा उसका फॉर्मुलेशन जो चारों चीजों को मिलाने के बाद जो प्रोडक्ट तैयार किया गया उसका फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा है, बहुत राइट कंसंट्रेशन के साथ मिलाया गया है, और उसको बनाया भी गया है तो बहुत स्ट्रिक्ट सुपरविजन के अंदर बनाया गया है, एक्सपर्ट्स लोग ने उसके हर एक एक्शन पर ध्यान दिया है। इसका फायदा क्या होगा, सीड जर्मिनेशन में फायदा होगा, अच्छी अच्छी बीज भी निकलेगी, फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, व्हाइट रूट अच्छे होंगे, क्रॉप स्ट्रेस कम होगा, उसके अलावा बात करूं तो फूल और फल अच्छे होंगे, क्वालिटी उसके अच्छे होंगे, उपज बढ़ेगी और मिट्टी अच्छी होगी, यानी किसान को हर एक तरीके से फायदा, आठ आठ तरीके से फायदा मिलेगा, दाम भी ज्यादा मिलेगा और उपज भी ज्यादा होगी, डबल फायदा, तो ये हम कह सकते हैं। अब कैसे इसको यूज करना है, उसका तरीका क्या होगा, आइए हम लोग देखते हैं। इसको तीन स्टेज में यूज कर सकते हैं, वेजिटेटिव स्टेज में, फ्लावर इनिशिएशन के स्टेज में, एंड फ्रूट सेटिंग के स्टेज में, तीन समय पर आप इसको यूज कर सकते हैं। अब कोई भी फसल आप ले लीजिए, कोई भी फसल ले लीजिए, जब आप पहली बार उसको लगाने जाते हैं तो तीन तरह से ही लगा सकते हैं, तीन नहीं आप दो बोलिए फिर मैं इसको तीन कर दूंगा, दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो बीज के जरिए लगाएंगे या उसको जड़ के जरिए लगाएंगे, और कोई तीसरा ऑप्शन तो होता नहीं है।
कोई भी पौधे को लगाएंगे, कोई भी सब्जी को लगाएंगे, कोई भी फसल को लगाएंगे, या तो बीज के जरिए लगाएंगे या पौधे के जड़ के जरिए लगाएंगे। तो पहले बीज की बात करते हैं, पहले हम लोग बीज की बात करते हैं, फिर पौधे के जड़ की बात करेंगे। तो जब पौधे की बीज की जब हम बात करेंगे, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो बीज मैं लगा रहा हूँ अपने खेत में, क्या इसको पानी में डालकर 10 मिनट छोड़ा जा सकता है? क्या यह बीज खराब हो जाएगा? अगर खेत में किसान वो बोलता है कि नहीं खराब नहीं होगा, ये धान का है, ये गेहूं का है, ये खराब नहीं होने वाला है, आप 10 मिनट पानी में डालकर छोड़ सकते हैं, तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी में 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स मिलाना है और उस बीज को 10 से 15 मिनट उसमें छोड़ देना है और उसके बाद उसको छिड़क देना है। जैसे आप लगाते हैं वैसे लगा दीजिए। लेकिन अगर आपने उस बीज के बारे में पूछा उसको पानी में डाल के छोड़ सकते हैं, बोलेगा नहीं 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 अगर आप इस बीज को पानी में डालेंगे तो बीज खराब हो जाएगी। जैसे दलहन है, उसमें अगर आप बोलेंगे कि ठीक है उसको चना को अगर पानी में डाल के छोड़ दिया जाए 15 मिनट तो वो तो खराब हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में क्या करना है, वहां पर आप वहां पर क्या करेंगे, 1 लीटर बीज ले लेंगे, उसमें 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स डाल देंगे और 2 से 3 ml पानी भी डाल देंगे और उसको अच्छे से शेक कर देंगे, सूखे बीज को एक कोटिंग कर देंगे उसकी और उसके बाद उसको लगा देंगे, इसको पानी में डुबाकर नहीं रखेंगे। तो ये बीज की बात हो गई। अब हो गई रूट डिपिंग। तो रूट डिपिंग में जैसा आप फोटो में देख रहे हैं ऐसा एक घोल बनाइए, जड़ को इसमें डालिए, 2 से 3 मिनट छोड़िए, 4 से 5 मिनट छोड़िए और उसके बाद जो है आप खेत में लगा दीजिए। प्रिपेयर 2 to 3% सॉल्यूशन ऑफ एक्टिव मैक्स और उसमें जड़ को डालें 4 से 5 मिनट और उसके बाद जड़ को लगा दें। फोलियर स्प्रे, अब जैसे कि पौधे थोड़े बड़े हो गए तो आपको क्या करना है, ऐसा स्प्रेयर है आपका, ऐसा स्प्रेयर जो देख रहे हैं फोटो में पिक्चर में आपको नजर आ रही होगी, तो उसमें क्या है 15 लीटर का जनरली आता है, तो 15 लीटर में 15 ml मिला देंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ 1 लीटर में 1 ml, और उसको क्या करेंगे पूरे खेत में आप यहाँ छिड़क सकते हैं पानी के साथ मिलाकर, 1 लीटर में 1 ml करके छिड़क सकते हैं। अगर इसमें एक्टिविटी मिला दिया तो और भी अच्छा काम करेगा, एक्टिविटी गोल्ड मिला दिया और भी अच्छा काम करेगा, दोनों में कोई भी एक मिला सकते हैं। तो इसमें 15 लीटर में 5 ml मिला देंगे एक्टिविटी और एक्टिविटी गोल्ड और उसको आप छिड़क देंगे यहाँ पर, तो ये तीनों का घोल हो जाएगा यहाँ पर। अगर इसमें कीटनाशक है तो कीटनाशक भी मिला सकते हैं, चारों चीज मिला सकते हैं, चारों चीजों को मिलाकर आप छिड़क सकते हैं। लेकिन आपको पहले एक पैच टेस्ट कर लेना होगा, पहले एक साइड में टेस्ट करके सारा कुछ देख लेना पड़ेगा, उसके बाद ही पूरे खेत में आप इसको यूज करेंगे। उसके अलावा प्री फ्लावरिंग में अगर मैं बात करूं तो वही सेम प्रोसेस है, 1 लीटर में 1 ml और फ्रूट्स फॉर्मेशन का जब समय आता है तो उसके थोड़ा पहले 1 लीटर में 2 ml आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप छिड़क सकते हैं, यूज कर सकते हैं और इसका पूरा फायदा ले सकते हैं। दोस्तों ये हमारा एक्टिव मैक्स जो प्रोडक्ट है वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट और इसका बहुत ज्यादा फायदा है। ब्लैकिश ब्राउन कलर का होता है, थोड़ा चिपचिपा जैसा प्रोडक्ट होता है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, शेल्फ लाइफ 5 साल चलता है इसका। बच्चों से दूर रखिए, कूल एंड ड्राई प्लेसेस में रखिए, टाइटली क्लोज रखिए, बच्चों से दूर रखिए और कहीं भी यूज करने के पहले आप एक उसको चेक जरूर करें, उसके बाद ही पूरे खेत में आप इसको यूज करें। तो डिफरेंट क्रॉप्स में आप एक्टिव मैक्स को भी यूज कर सकते हैं और आप इसका फायदा ले सकते हैं। तो ये जो 4 प्रोडक्ट मैंने आपको बताया अभी, ये 4 प्रोडक्ट बहुत काम के प्रोडक्ट है और आप अकॉर्डिंगली योर नीड, आप चाहे तो खुद यूज करें, अपने घर में आपने खेत लगाया हुआ है, घर गमला रखा हुआ है वहां खुद यूज कर सकते हैं, या नहीं तो अगर आप चाहें तो इसका बिजनेस भी कर सकते हैं, किसानों को इसके बारे में बता के एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। तो सारा ऑप्शन यहाँ पर खुला हुआ है। दोस्तों इसी तरह से 3 बजे आप लोग रेगुलर आते रहिए, कल 3 बजे शुरुआत की ट्रेनिंग होगी और शुरुआत की ट्रेनिंग में डेमो भी, ऑफिशियल डेमोज भी दिखाया जाएगा। तो आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि कल 3 बजे के सेशन में आप लोग जरूर आए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग।